हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के 60 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने से नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजस्थानी कला का संकलन। अगला क्वेश्चन है, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया वह थी रानी हाडा। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं ये कहां पर स्थित है। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं वो किला कौन सा है, उस किले का नाम क्या है। उस किले का नाम है नाहरगढ़ का किला। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंसर सभी लोग दीजिएगा सभी क्वेश्चन के बहुत ईमानदारी के साथ। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जयपुर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है। किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पानी। 1857 ईस्वी की क्रांति में 1857 की क्रांति की अंग्रेजों बाद जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था। तात्या टोपे, टोक के नवाब वजीर खां, महाराजा राम सिंह, औवा के ठाकुर कुशाल सिंह। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, औवा के ठाकुर कुशाल सिंह। अगला क्वेश्चन, झाड़शाही सिक्के किस राज्य से संबंधित हैं। झाड़शाही सिक्के जो हैं ये किस राज्य से संबंधित हैं। सो गाइस, ये संबंधित हैं जयपुर से। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंपारण की संधि किसके मध्य हुई। चंपारण की संधि किसके मध्य हुई थी। तो चंपारण की संधि जो है गाइस ये मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच हुई थी। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ में रागमाला रसिक प्रिया गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची। महाराणा अमर सिंह प्रथम 1597 से 1620। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, आप लोग सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, आंसर आप लोगों को चूज करना है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिलान कैसे करना है देख लीजिए। कोटा का हो जाएगा जय हिंद, ब्यावर का तरुण राजस्थान, अजमेर का नवीन राजस्थान, वर्धा का राजस्थान केसरी। तो इस प्रकार से आप लोग मिलान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जमदेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान है। लूनी, नौखा, बालूतरा, मुकाम। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मुकाम। ओके, चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है गाइस, कीर्ति स्तंभ प्रस्थि के रचयिता थे। कीर्ति स्तंभ प्रस्थि के रचयिता कौन थे। ऑप्शन डी जो है आपका अत्रि कवि। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे। विजय सिंह, पथिक, अर्जुन लाल सेठी, सेठ दामोदर दास, सहसमल बोहरा। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अर्जुन लाल सेठी। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थापित है। बीकानेर, जसोल, अविकानगर, जैसलमेर। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान में वो दो जिले जिनमें कोई नदी नहीं है, जैसलमेर एवं बाड़मेर, जैसलमेर एवं जालौर, बीकानेर एवं चूरू, जोधपुर एवं जैसलमेर। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बीकानेर एवं चूरू। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना जिस जिले में स्थित है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है।
वह है जिस्पम। ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को थली कहा जाता था, किस क्षेत्र को थली कहा जाता था। चार ऑप्शन आपके सामने, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चुरू सरदार शहर। ओके, अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो पशु मेले से संबंधित है सही है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मल्लीनाथ तिलवाड़ा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म सही है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जाखम माही। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राय अज्वलित ईंधन खनिज है, मैग्नीस, क्रोमाइट, अभ्रक, बॉक्साइट। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अभ्रक। निम्नलिखित में से प्रमुख विद्युत परियोजना है, चंबल परियोजना, जमवाई सागर परियोजना, इंदिरा गांधी परियोजना, बीसलपुर परियोजना। चंबल परियोजना, तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शागमान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले हैं, शागमान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले कौन कौन से हैं, बांसवाड़ा एवं उदयपुर। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान सरकार का उद्योग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान सरकार का उद्योग नहीं है। मॉडर्न फूड इंडस्ट्री लिमिटेड, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का क्रम क्या है, आठवां, चतुर्थ, दसवां, पंचम। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आठवां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राजस्थान में शक्कर उद्योग के केंद्रों का सही समुच्चय है, राजस्थान में शक्कर उद्योग के केंद्रों का सही सचमय है, सॉरी समुच्चय है। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, श्रीगंगानगर, भोपाल सागर और केशोरा, केशोराय पाटन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1976 में। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सहकारी शाख समितियों का ढांचा है, एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, चतुर्थ स्तरीय। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, त्रिस्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब एवं कहाँ की गई थी, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब एवं कहाँ पर की गई थी। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 20 अगस्त 1949 को जयपुर में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्य राजस्थान शासन सचिवालय का नहीं है, निम्न में से कौन सा कार्य राजस्थान शासन सचिवालय का नहीं है। केंद्र राज्य संबंध, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया, 2 अक्टूबर 1959 को। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु मानव अधिकार अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया, तो यह पारित किया गया था वर्ष 1993 में। ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन, जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। सुगा, जिला परिषद का अध्यक्ष होता है ऑप्शन ए, जिला प्रमुख, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट का एजेंडा कौन तैयार करता है, कैबिनेट का एजेंडा कौन तैयार करता है। तो कैबिनेट का एजेंडा मुख्य सचिव तैयार करता है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्लें हैं, दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्लें हैं, थार, पारकर एवं राठी। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस जिले के नींबू प्रसिद्ध हैं, उदयपुर, जयपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर। किस जिले के नींबू प्रसिद्ध हैं, धौलपुर। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फसल को राजस्थान का सफेद सोना कहते हैं, कपास।
ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शहर जिसे राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारा जाता है, तो स्वर्ण नगरी के नाम से जैसलमेर को पुकारा जाता है, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य पुष्प रोहिणा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? राज्य पुष्प रोहिणा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी राजस्थान। 100 क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जोधपुर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान मरुस्थलीय भाग किस नाम से प्रसिद्ध है? जीव मरु प्रदेश, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने किसके सहयोग से मरु भाग में मरु विकास कार्यक्रम आरंभ किए हैं? केंद्र सरकार के सहयोग से, तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के मरु विकास कार्यक्रम 1977 से 78 में केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रतिशत सहायता दी जा रही है? 100, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरु विकास में किस तत्व का समावेश किया गया है? मरु विकास में किस तत्व का समावेश किया गया है? उपरोक्त सभी, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मरु विकास की दृष्टि से कौन सी योजना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस कार्य को सम्मिलित किया गया है? पेयजल, वृक्षारोपण, सिंचाई, ये सभी। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में मरु विकास कार्यक्रम 13 मरुस्थलीय जिलों में कितने विकास खंडों में चलाया जा रहा है? सो गाइस, ये चलाया जा रहा है कुल 85 विकास खंडों में, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लाठी श्रृंखला जो है ये किससे संबंधित है? लाठी श्रृंखला किससे संबंधित है? सो गाइस, लाठी श्रृंखला जो है खनिज पट्टी से संबंधित है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के एक शहर में पीले पत्थर की खान है, इस पत्थर को भी इसी शहर के नाम से जाना जाता है, ये शहर है, तो इस शहर का नाम है जैसलमेर, तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध दुर्लभ दुर्लभ पत्थर राजस्थान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सुलेमानी पत्थर, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में तांबे की खान है? भीलवाड़ा, नागौर, खेतड़ी, निमला। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, खेतड़ी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के, दिए गए खनिजों में से किसके लिए राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है? सीसा, जस्ता, मैग्नीज, तांबा, अपरक। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सीसा, जस्ता। राजस्थान में सोने की खोज का कार्य जिस जिले में प्रगति पर है वह है वासवाड़ा, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में तेल एवं प्राकृतिक गैस की संभावनाएं अच्छी हैं? श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस, क्वेश्चन है, जिनके उत्पादन में भारत में राजस्थान प्रथम है वे हैं? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन एवं जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, राजस्थान में देश का करीब 90% एस्बेस्टॉस उत्पादित किया जाता है, यह किन जिलों में उत्पादित किया जाता है? यह उत्पादित किया जाता है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और अजमेर, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? शेवड़, घास, अलवर, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जिसका आणविक शक्ति उत्पादन से संबंध है? इन सभी का, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गैस, प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है रामगढ़ में, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा,
बाड़मेर जिले में लिग्नाइट पर आधारित 1000 मेगावाट शक्ति परियोजना का प्रस्तावित स्थान कौन सा है? कापुड़ी में। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।